नमस्कार। सियासत, अदावत और राजनीति में महीन बारीकी को समझने वाले कैप्टन अब पंजाब में कांग्रेस के लिए एक नया संकट बनकर उभर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से पंजाब की सियासत में शुरू हुई उठापटक अब एक नया रूप लेने जा रही है, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कई मौकों पर अपनी नई पार्टी के बारे में बोलने वाले कैप्टन ने एक बार फिर दोहराया है कि वो पंजाब के लोगों और किसान के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपने खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। पहले सुनिए कैप्टन ने क्या कुछ कहा। Now you want to know about the party we are forming? Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the election commission. Let us wait for the election commission to decide. But our lawyers are on the job. And we will give you the symbol also. We have made a request for symbol and we have made a request for names also. And when that comes, when you root from the sun. As far as Sidhu is concerned, wherever he fights from, we will fight him. We have got many, very many people with us. When the time comes, our party is announced, we will give you a list. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you. Whether we do adjustment seats, or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But we are going to fight and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी यही कैप्टन पंजाब में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह थे, लेकिन अब कैप्टन का पंजाब में खुद की राजनीतिक पार्टी को खड़ा करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने जैसा होगा। कैप्टन ने क्लियर कट बोल दिया है कि कांग्रेस से मेल मिलाप का टाइम ओवर हो चुका है। देखिए कैप्टन के बयान में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे कोई बातचीत नहीं हो रही। कांग्रेस से मेल मिलाप का समय अब खत्म हो गया है। पार्टी छोड़ने का मेरा फैसला अंतिम है। जल्द ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू करेंगे। सिद्धू जहां से भी लड़ेंगे हम उनसे लड़ेंगे। समय आने पर हम सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कैप्टन के इस फैसले से कांग्रेस किसी सियासी मुसीबत में फंस सकती है या फिर कांग्रेस के हाथ से पंजाब की सत्ता भी छिन जाएगी। ये तमाम सवाल हैं जो इस समय हर किसी के जहन में रह रहकर उठ रही हैं। लेकिन यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को हर किसी को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि कैप्टन के बयान में वो तीन बातें शामिल हैं जो पंजाब की सियासत में एक नया चेहरा लेने के लिए आतुर नजर आ रही हैं। देखिए अमरिंदर के इस बयान में तीन बातें जो गौर करने वाली हैं। कांग्रेस, भाजपा और कृषि कानून। कैप्टन कांग्रेस की तरफ पलटकर देखना नहीं चाहते हैं। वहीं कैप्टन की दूसरी बात बीजेपी से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमरिंदर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रही है। इस मुलाकात से कुछ गुणा गणित और विकल्प नजर आ रहा है। अगर इन तमाम मुद्दों और सियासी हलचल को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब कांग्रेस में सब सही नहीं चल रहा है। अब देखिए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कहां कहां गलती कर चुकी है और इन तमाम गलतियों के जाल में खुद फंस के रह गई है। कैप्टन को अनदेखा कर नवजोत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ाया था। कैप्टन को अनदेखा करना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। अब कांग्रेस पंजाब में सिद्धू को अनदेखा कर रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव का रोड मैप सीएम चन्नी के हाथों में है। सीएम चन्नी को यह जिम्मेदारी खुद कांग्रेस ने सौंपी है। पंजाब में कांग्रेस गलती पर गलती कर रही है, लेकिन ऐसे में कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी बनाने के ऐलान को लेकर विश्लेषकों ने जो कुछ कहा उस पर भी गौर करने की जरूरत है। विश्लेषकों का मानना है कि कैप्टन को नई पार्टी से कुछ हद तक सियासी फायदे मिलेंगे। चुनाव के दौरान उनकी पार्टी की चर्चा हो सकती है। चुनाव में कम वक्त बचा है और कैप्टन के पास चुनौती ज्यादा है। ऐसे में नई पार्टी बनाना, संगठन तैयार करना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक पर असर देखने को मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति को करीब से जानने वाले एक शख्स का कहना है, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जिस तरह से अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई उसे देखकर ये उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वो आने वाले समय में भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। खैर, इन तमाम बातों के बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमरिंदर पहले खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और फिर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब यह देखिए कैप्टन के इस कदम से बीजेपी को किस तरह का फायदा हो सकता है।
कैप्टन के इस कदम से पंजाब में बीजेपी की जमीन मजबूत हो जाएगी। किसान आंदोलन की चुनौती से बीजेपी को राहत मिल जाएगी, क्योंकि कैप्टन का किसानों से अच्छा संबंध है। ऐसा होता है तो पंजाब की सत्ता कांग्रेस के हाथों से जा सकती है। चलते चलते आपको बताते चलिए कि कैप्टन का मिलिट्री बैकग्राउंड और कट्टर नेशनलिस्ट की छवि बीजेपी को पसंद आती है। वहीं अमरिंदर उन कुछ कांग्रेस नेताओं में से थे जिन्होंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी सरकार का समर्थन किया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी उनका सुर बीजेपी से मिलता हुआ दिखाई दिया था। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू के जाने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गले मिलने का अमरिंदर ने बीजेपी की तरह स्टैंड लिया था। कुल मिलाकर कहें तो पंजाब की सियासत में अभी उठापटक खत्म नहीं हुई है।